यूपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों को स्वेटर बांटे जाने की डेडलाइन खत्म। कई स्कूलों के छात्र अभी भी हैं महरूम। सुबह 9 बजे देखिए एबीपी गंगा की खास पेशकश। चिन्मयानंद रंगदारी मामले में आरोपी छात्रा की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है LLM छात्रा का केस। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज पहुंचेंगे कानपुर। शहर में गंदगी के कारण फैले डेंगू और प्रदूषण से हो रही मौतों के खिलाफ निकालेंगे विरोध मार्च। अयोध्या में कल राम रसोई की शुरुआत होने के बाद आज से रामलला का दर्शन करने वाले भक्तों को मिलेंगे मुफ्त प्रसाद। मंदिर में 3 दिवसीय राम विवाह उत्सव का भी हो रहा है आयोजन। मेरठ में मामूली विवाद में फायरिंग से फैली दहशत। पेड़ काटने के विवाद में चली गोलियां। खेड़ा गांव में सरेआम फायरिंग, 3 महिलाएं हुई घायल। यूपी में बेटियों के लिए प्रदर्शन, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर निकाला गया जुलूस। हैदराबाद और संभल की बेटी को लेकर प्रदर्शन। पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस में छटनी, 20 कर्मचारियों को बगैर नोटिस निकाले गए, स्टाफ ने खोला मोर्चा। रुड़की में चलती कार में अचानक आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जनता पर महंगाई की मार जारी, आलू प्याज के बढ़ते दामों से लोग परेशान, कई जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, औली हेमकुंड साहिब समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।